हेलो गाइस, होम इलेक्ट्रॉनिक्स की और एक न्यू वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो गाइस, ये है क्लासिक का 50 वाट सब बूफर या बूफर। तो गाइस, इसका आज हम जो है प्रॉपर एक बेस टेस्ट लेने वाले हैं, तो इस कैबिनेट में लगाएंगे। जिस टाइम पे मैंने रिव्यू किया था उस टाइम मेरे पास कोई भी कैबिनेट नहीं था, तो गाइस इसको लगा दिया है कैबिनेट में। तो चलिए दोबारा से आज इसका एक बेस टेस्ट लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको कहा, जिस टाइम पे इसका रिव्यू किया था मैंने, उस टाइम पे सिंगल का कोई भी कैबिनेट नहीं था मेरे पास, तो उस टाइम पे इसका जो है साउंड टेस्ट प्रॉपर नहीं हो पाया था। और जो कैबिनेट पे मैंने इसको लगाया था वो ड्यूल का कैबिनेट था, तो मैंने सोचा हो सकता है कि इस वजह से भी जो है इसका परफॉर्मेंस इतना डाउन आ रहा है, क्योंकि जब मैंने ड्यूल की कैबिनेट पे लगा के इसका बेस टेस्ट लिया था तो उस टाइम पे इसका बेस एकदम मतलब घटिया लगा मुझे। जिस प्राइस में मैंने इसको लिया था उस प्राइस के हिसाब से इसका बेस क्वालिटी एकदम घटिया था। तो चलिए एक फाइनल बेस टेस्ट इसका लेते हैं। आप लोग हेडफोन लगा लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। तो गाइस, ये था इसका एक फाइनल बेस टेस्ट। तो गाइस, अभी अगर बात करें इसको लेना चाहिए कि नहीं, तो गाइस जिस एम्पलीफायर पे ये चल रहा है, ये 100+100 वाट का जो है स्टूडियो एम्पलीफायर है, और जो ये सब बूफर है या फिर बूफर है ये 50 वाट का है। तो अगर बहुत ज़्यादा देर तक इसको हम चलाएंगे 70% या फिर 60% वॉल्यूम पे, तो ये पक्का ये उड़ेगा। तो अभी मैं आपको ये भी क्लियर कर देता हूँ कि किस प्राइस रेंज तक ये इसको आप ले सकते हो। तो गाइस, ये वाला सब बूफर या बूफर अगर आपको 400 या 500 की रेंज के अंदर में मिलता है तो आप जो है इसको डेफिनेटली ले सकते हो, लेकिन अगर उससे बाहर जाता है यानी कि 800-900, तो बिल्कुल मत खरीदना, पैसा बर्बाद कर लोगे। क्योंकि 800 या 850 में इनका खुद का जो है एक सब बूफर आता है, जिसका कि वीडियो आपको चैनल पे देखने को मिल जाएगा, तो वो जो है इससे बेटर ऑप्शन है। क्योंकि गाइस, एक 50 वाट का स्पीकर 800 या 900 में बिल्कुल नहीं आता। हाँ, मैं मानता हूँ अगर मैग्नेट का साइज़ या फिर मैग्नेट का क्वालिटी अगर अच्छा हो तो 800-900 चलता है, कोई दिक्कत नहीं, 1000 पार हो जाता है अगर मैग्नेट का क्वालिटी सही रहता है तो। लेकिन इसमें आपको वही 90/70 का मैग्नेट देखने को मिलता है, तो इसका प्राइस ज़्यादा से ज़्यादा 400 से 500 होना चाहिए था। अभी कंपनी ने इतना ज़्यादा क्यों रख दिया पता नहीं, क्योंकि गाइस मैंने तो बहुत महंगे में इसको ख़रीदा था। और गाइस, आप इसको जो है 50 से लेकर 60 वाट के एम्पलीफायर पे चलाइए, तो जो है आपको परफॉर्मेंस बेस आपको बढ़िया देखने को मिलेगा, मतलब सुनने को मिलेगा। उससे ज़्यादा ऊपर पे चलाओगे तो इसका डैमेज होने का खतरा हो सकता है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा।
आपको लेना है कि नहीं। तो बस आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।